ने इरशाद फरमाया लकद अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनात व अनज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियकूमन नास बिलक़िस्त। सादा तर्जुमा यह है, अल्लाह कह रहा है कि मैंने अंबिया को इसलिए भेजा किताबें देकर निशानियां देकर कि वो लियकूमन नास बिलक़िस्त, ताकि इंसानी माशरे में अदल कायम हो जाए, अदल हासिल हो जाए। तमाम अंबिया अल्लाह की तरफ से इस जमीन पर इंसानों की हिदायत के लिए आए, वो अदल को नाफिज करना चाहते थे। लियकूमन नास बिलक़िस्त, तीन चीजें उनमें थी खुसूसियात। अदालत खा थे, यानी जुल्म के मुकाबले में अदल का परचम उठाए हुए थे और माशरे में अदल को नाफिज करना चाहते थे। अदालत का जुल्म सदीस थे, यानी जुल्म का मुकाबला करने वाले, जुल्म के आगे सर झुकाने वाले नहीं थे, सर उठाने वाले। तीसरा, इस अदल और जुल्म मिटाने के रास्ते में मुकावमत करते थे, रेजिस्ट करते थे जुल्म को। ये खुसूसियात थी उनके अंदर। अदालत का थे, यानी अदालत चाहते थे माशरे के अंदर, अदल चाहते थे, जुल्म सदीस थे, जुल्म से मुकाबला करते थे, मुकाबिल थे, रेजिस्ट करते थे, रुकते नहीं थे, वो आगे बढ़ते चले जाते। ये पूरी तमाम अंबिया की तहरीक इन तीन लफ्जों में उसको इकट्ठा किया जा सकता है। रसूल पाक, फिर मौला हुसैन, अहले बैत, आइमा, हमारे 12 में से 11 इमाम शहीद हैं अदालत के रास्ते, जुल्म सदीसी की राह में मारे गए, वो मुकावमत करते हुए आगे बढ़ रहे थे, इसलिए मारे गए। अगर माशरे में अदालत खाई का जज्बा खत्म हो जाए, सोच मिट जाए अदालत के मुताबिक की, अदल के मुताबिक की, अगर जुल्म सदीसी छोड़ दी जाए, मुकावमत ना की जाए, तो मुआशरे पर फिरौनों का, जालिमों का, कानून शिकन लोगों का, कातिलों का, राजनों का, लुटेरों का, डाकुओं का कब्जा हो जाता। लेकिन ये अदालत खाई और अदल के निफाज की जदोजहद थी अंबिया की, ये उस वक्त कामयाब हो सकती है जब लोग अंबिया का साथ दें। यही इम्तिहान है इंसानी मुआशरे, यही इम्तिहान है। अगर लोग साथ देंगे तो अदल आ जाएगा, जुल्म मिट जाएगा। अगर लोग साथ नहीं देंगे तो अंबिया और ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए अपना गला कटाकर अल्लाह के पास सुरखुरू होकर चले जाएंगे, लेकिन बाकियों के लिए अजाब इलाही होगा। ये हमारी ड्यूटी है कि हम जुल्म के मुकाबले में उठें, हम अदल के नफाज की जदोजहद करें।